हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे वन ऑफ 75 सॉफ्ट चैलेंज। सो आज से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं ऐसे ऐसे अपना चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ। सो बस स्टार्ट कर दिया है आज से मैंने, और क्यों किया है, क्या रीज़न है, वो मैं आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं मतलब नहीं स्टार्ट करूँगी। मैं सुबह अभी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ, और मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं, तो वो आप लोग देखिए। मतलब मैं यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि सुबह से ना काम इतना ज़्यादा था, तो मतलब वीडियो बनाने का उतना ज़्यादा बैठ कर शांति से वो मतलब हो नहीं पा रहा था कि मैं अच्छे से आपसे बात कर पाऊँ। तो अभी जस्ट मेरी आंटी जो है वो क्लीन करके गई हैं घर को, तो बस मैंने सोचा चलो मैं अब आप सभी से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि अब फिर बिहान आ जाएगा, तो फिर बिहान के उसमें लगना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो वैसे तो वो अपना काम खुद ही कर लेता है, लेकिन फिर भी नाश्ता दे मतलब खाने को देना और वो सब, सो उस समय देखना पड़ता है, थोड़ा सा डांटते रहना पड़ता है कि अरे ये करो जल्दी करो फलाना करो। सो ऐसा जैसा कुछ सीन रहता है। बिहान के अभी एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैंने यहाँ पर मैं अभी पी रही हूँ अपना वाटर, और आज मैंने अपना वेट भी किया था तो अच्छा खासा बढ़ गया है। क्योंकि मैं ना मतलब बिना चैलेंज के कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वॉक करने का मन नहीं होता था, और कुछ ऐसा खाने का हो ही जाता था कि ये भी खा लें वो भी खा लें करके। तो इसलिए अब मैंने प्रॉपर मतलब मेरे को ध्यान देना है, ताकि ये इस चैलेंज में मैं अच्छे से अपना जो वेट है वो रिड्यूस कर पाऊँ। एटलीस्ट 10 kg तो करूँ ही करूँ, और ये चैलेंज मुझे बहुत ईजी लग रहा है, तो देखते हैं कितना ईजी रहता है कितना डिफ़िकल्ट रहता है, वो तो आगे जाकर ही पता चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज से अपनी जर्नी, और मैंने सुबह से क्या क्या किया उसकी एक झलक आप लोग देखिए। मैं तब तक अपना ये पानी पी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना वेट चेक कर रही हूँ। मेरा वेट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, मेरा वेट आया है 120.60। सो काफ़ी अच्छा वेट बढ़ गया है। और यहाँ पे मैं अपनी बना रही हूँ वेट लॉस ड्रिंक। यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब पानी रखा है, इसमें जीरा, अजवाइन, मेथी और हल्दी, काली मिर्च और अदरक ग्रेट करके मैंने ये डाला है। इसको अच्छे से बॉईल किया। अब मैंने स्ट्रेनर में इसको छान लिया। ये बन गई हमारी वेट लॉस ड्रिंक। ये मैंने ली थी, थोड़ा मतलब ठंडी हो गई थी उसके बाद ली थी, मतलब ऐसा नहीं गरम गरम जाए, उस हिसाब से। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बीटरूट का आटा। तो यहाँ पे मैंने बारले का और आटे जो नॉर्मल आटा होता है वीट फ्लावर, वो मैंने हाफ हाफ लिया है। नमक, काली मिर्च और गरम मसाला डाला है। और यहाँ पर ये मैंने बीटरूट की वो रखी थी स्टफिंग, वो मैंने आटे में ही ऐड कर दी है, क्योंकि स्टफिंग थोड़ी वैसी हो गई थी ढीली ढीली, तो इस वजह से पराठे ढंग से बन नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके से मैंने इसके ये पराठे बनाए थे, बहुत टेस्टी लगते हैं। चाहे आप इसको स्टफिंग को भर के बनाइए, चाहे आप मतलब ऐसे आटे में गूंद के बनाइए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा मैंने आज एक ड्रिंक जो है वो मतलब बनाई थी, तो वो मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। मैं इस 75 सॉफ्ट चैलेंज में यही ड्रिंक लूँगी, देखते हैं कितना रिजल्ट आया। एक चीज़ और मैं इंक्लूड करूँगी, वो है कलौंजी, लेकिन कलौंजी वो सेपरेटली लूँगी, तो देखते हैं क्या रहता है उसका। मैं इवनिंग में लिया करूँगी, तो कलौंजी वाटर भी अपने में इंक्लूड करूँगी। कलौंजी वाला ड्रिंक जो होता है, कहते हैं कलौंजी बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, और आपका जो वेट होता है वो भी बहुत जल्दी कम करता है, तो देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ना, जिनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है वो उनका बता रहे थे कि वो कलौंजी वाटर लें तो उससे बहुत जल्दी होता है। बताया तो एक वो भी है जो मंजरी जो होती है तुलसी जी की, लेकिन वो मंजरी मुझे मिल नहीं रही कहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसका वो करूँ। उससे भी बहुत जल्दी क्या कहते हैं फैट बर्न होता है, तो वो मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको पता हो कहीं मिलती हो या तो मुझे बताना। सो मैं अपना ये पानी फिनिश कर लेती हूँ एंड देन आप सभी से मिलती हूँ। और मैं अपना जैसे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, तो मैंने उसमें 2 चपाती खाई थी, उसकी मतलब जो बीटरूट होता है उसमें बीटरूट और थोड़े मसाले और क्या कहते हैं थोड़ा सा आलू, जैसे जितना बीटरूट उतना आलू, और क्या कहते हैं उसका मैंने पराठा आटे में गूंद कर ही बनाया था। वैसे तो मैंने स्टफिंग वैसे बनाई थी, लेकिन बीटरूट की क्वान्टिटी ज़्यादा हो गई थी ना, उसकी वजह से वो स्टफिंग अच्छे से हो नहीं पा रही थी, तो मैंने वो आटे में उसन लिया था, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी।
सो वो मैंने लिया था। अब शाम को लूँगी मैं, जो भी लूँगी 2 मील इन अ डे करूँगी मैं। और जो दोपहर का टाइम रहा करेगा 2:30-3 के अराउंड, उस टाइम में मैं या तो कोई फ्रूट सैलेड या फिर मतलब फ्रूट या सैलेड कुछ ऐसा ले लिया करूँगी, तो कुछ ऐसा जैसा मेरा रहेगा ताकि मुझे फाइबर भी मिलता रहे, मुझे सब कुछ मतलब इक्वल उसमें मिलता रहे। और कोशिश करूँगी कि मेरा सनसेट से पहले ही डिनर हो जाए। सो देखते हैं कितना खरा उतर पाती हूँ मैं, और ये मैं सक्सेसफुल करना चाहती हूँ ये चैलेंज। सो देखते हैं क्या होता है। और मैं डेली ही ब्लॉग लाऊंगी, और बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर कोई गैप होगा भी तो वो नेक्स्ट डे 2 ब्लॉग आएंगे, ताकि मैं इन सब सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं ये भी नहीं करूँगी कि मतलब वो करूँ जैसे करती थी ना पहले, कि मैं मिनी ब्लॉग बना के डाल देती थी, तो वो नहीं आएगा। भले ही चाहे 3 मिनट का ब्लॉग आए, चाहे 5 मिनट का ब्लॉग आए, चाहे वो 10 मिनट का ब्लॉग आए, वो मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करना, ऑल द बेस्ट बोलना, ताकि मैं ये सक्सेसफुल कर पाऊँ और इसमें मेरा अच्छा वेट लॉस हो। अभी तो देखो चेहरा भी इतना भरा भरा हो गया है, तो देखते हैं क्या असर पड़ता है इससे। सो विश मी लक। फिर अभी टाइम हो रहा था दोपहर के 2 या 2:30 के बीच का टाइम था। उस टाइम में मेरे को हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा अभी मैं सैलेड ले लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अनियन टमाटर और खीरा काट कर मैंने लिया था। ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। इस तरीके से कर्ड और उसमें नमक काली मिर्च डाला था और एक हरी मिर्च मैंने कट की थी फॉर अ टेस्ट। फिर शाम का समय हो गया था। शाम के समय हम लोगों ने मेरे हस्बैंड बोले चाय बना लो, तो मैंने चाय पी थी। उसके साथ थोड़ा सा मुरमुरा लिया था, लेकिन मैं ये डेली नहीं लूँगी। वो तो मतलब थोड़ा सर भारी भारी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने बना लिया था। फिर मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने एक वॉश ले लिया था। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि आप कपड़े वैसे पहनते हो ना, तो जब तक आप कम्फर्ट मतलब आउटफिट में नहीं रहते हो, तब तक आप ऑकवर्ड फील करते रहते हो। तो मैं ये भी वॉश लेकर आई थी, लेकिन बात करने का यहाँ पर कुछ मन नहीं करा था, तो मैंने एक क्लिप शूट करी थी। फिर छोटे मतलब पापा के साथ घूमने जाने के लिए मुझे मना रहा था कि मम्मा जाऊँ मैं करके, तो इस तरीके से तो मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये छोटी सी क्लिप ले ली थी, तो बहुत मेरे को क्यूट लगी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। मैंने 30 मिनट की जो वॉक है वो कंप्लीट कर ली है। पूरा 45 मिनट की मैं नहीं कर पाई, वो यूज़ टू हो जाऊंगी 1 वीक में। तो आज मैंने 30 मिनट की करी है, जितना मेरी बॉडी ने अलाउ किया उतना करा मैं। मतलब फिर ना बॉडी हैवी होने लगी थी, क्योंकि इतने टाइम से हमने कुछ किया नहीं वॉक वगैरह। तो अभी मैंने 30 मिनट की कर ली है। आज मैंने सारे जितने भी मेरे गोल्स थे वो अप्रॉक्सीमेटली मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। 2.5 लीटर मैंने पानी पी लिया है, और वॉक भी अपनी कंप्लीट कर ली है। और मैंने जो अपना ब्रेकफास्ट लिया था वो भी मतलब अच्छे उसमें ही लिया था, आयरन रिच था। और जो दोपहर में सैलेड भी खाया था फाइबर के रूप में। तो फिर शाम को मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी, मेरा बहुत मन हो रहा था। वो हस्बैंड भी बोले कि हाँ चलो चाय बना लो ऐसे करके, लेकिन मैं स्किप कर दूँगी शाम की चाय, बस मॉर्निंग में एक बार ही लिया करूँगी। वो डेली डेली नहीं होती है, कभी कभी होती है, तो वो आज हुई है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा लहिया लिया था बस, और कुछ नहीं लिया था। तो अभी डिनर मेरा अभी बना नहीं है, क्योंकि आज मैं दोपहर में थोड़ा सो गई थी, इस वजह से मेरा डिनर अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो मैं रात में ऐसा ही लूँगी, कुछ दाल ले लिया या कुछ ऐसा बहुत लाइट, मैं रोटी वगैरह नहीं लूँगी रात में। सो चलिए अभी तैयारी कर लेते हैं डिनर की, एंड देन आप सभी से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी। किचन में काम सिमटाने लग गई थी। जो भी सामान स्लैब पे रखा हुआ था, क्योंकि सब्जी वगैरह लेकर आए थे हस्बैंड, तो वो मैं बस वहाँ से हटा रही थी, स्लैब को थोड़ा खाली करो, फिर उसके बाद मैं थोड़ा खाना पीना बनाने में कॉन्सेंट्रेट करो। तो वही सब्ज़ी वगैरह मैं बना चुकी हूँ, आटा लगा चुकी हूँ,
बस जस्ट बच्चों को और हस्बैंड को खाना खिलाना है, तो बस वही खिलाऊंगी बनाऊंगी मैं जल्दी से। सो ऐसे जैसे ही मेरा रहता है, मैं अभी ना ये मस्टर्ड ऑयल में पराठे बनाने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि ना कभी कभी पराठा खाने का मन करता है और देसी घी तो बहुत वैसा हो जाता है। और मैं ना क्या करती हूँ, इस तरीके से मैं वीडियो चला कर रख लेती हूँ अपने दूसरे मोबाइल में, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में अच्छे से उबाल लिया है, उसके बाद मैंने उसको उसमें रख लिया है। अब मैं इसके पराठे बनाऊँगी, देखते हैं क्या स्मेल आती है या नहीं आती है, लेकिन कुछ भी स्मेल नहीं आई थी। इस तरीके से मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए कितना नुकसान करता है, तो डीप फ्राइंग में तो खैर वही यूज़ करना ही पड़ता है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है। सो बस इस तरीके से मैंने पराठे बनाए, सबको खिलाए। मैंने अपने लिए बनाई ये दाल, दाल में थोड़ा सा तड़का दे दिया था हरी मिर्च का। सो बस मैं भी इंजॉय करती हूँ अपना डे। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया नेक्स्ट डे। कल मैं इस ब्लॉग का एंडिंग लेना भूल गई थी, और क्या कहते हैं, कल का दिन बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया मैंने, और कल वॉक भी किया था, तो मेरे बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं बहुत जल्दी सो भी गई थी, तो इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। डे वन हुआ हमारा सक्सेसफुल, और हाँ, इसमें क्या कहते हैं, 10 to 12 पेजेस कोई भी बुक भी पढ़नी होती है, नॉन फिक्शन, लेकिन बुक में नहीं पढ़ पाती हूँ और क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो पूजा करती हूँ तो उस टाइम में जो भी मैं पढ़ती हूँ तो वो कंप्लीट कर देता है इस चीज़ को। सो बस ऐसा जैसा है, और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।